हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा कढ़ी। यह अंडा कढ़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप बनाइएगा। मैंने ढाबा स्टाइल आज अंडा कढ़ी की रेसिपी शेयर की हूँ, तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पानी उबलने के लिए रख दी हूँ और उसके अंदर मैं 5 अंडे डाल रही हूँ उबलने के लिए, और इसे ढक के मैं 5 से 7 मिनट तक का पका लूँगी। दूसरी तरफ मैंने ये पालक को साफ़ कर ली हूँ एकदम अच्छी तरीके से। मैंने जो डंडी वगैरह थी वो निकाल के चुन ली हूँ और पालक को अच्छी तरीके से मैं धुल लूँगी। धुल के मैं इसको रफली चॉप कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसे ना मिक्सर जार में डाल के पीसना है। कच्चे ही मैं पीस लूँगी पालक को। देखिए, इस तरीके से मैंने उसको रफली चॉप कर ली हूँ और इसको ग्राइंडिंग जार में डाल के मैं इसे इसका पेस्ट बना लूँगी। इधर अंडे भी मेरे उबल चुके हैं। एक कढ़ाई ले ली हूँ मैंने, कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ तेल। तेल डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, अखी लाल मिर्च। अब इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को भी डालकर अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट की हूँ। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून दोनों भी मैंने शामिल कर दी हूँ, और एक टमाटर बारीक कटा हुआ। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं थोड़े कुछ मसाले। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। थोड़ा सा हल्दी 1/2 टेबल स्पून के बराबर, इससे थोड़ा ही डालिएगा, इससे कोई कलर तो नहीं आने वाला है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर, ये 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने किचन किंग मसाला डाली हूँ। ढाबे वाले हर ग्रेवी में किचन किंग मसाला डालते हैं, इसलिए मैंने भी डाल दी हूँ। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो आप भी ज़रूर इसे डालिएगा। अब इन सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दी हूँ, और 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें डाल दी हूँ नमक। नमक डाल के मैं इसे मिक्स कर दी हूँ। मिक्स करने के बाद अब इसे मैं ढक कर 5 से 6 मिनट तक का पकाऊँगी कवर करके। दूसरी तरफ मैंने दूसरा एक फ्राई पैन ले ली हूँ, उसमें मैंने शामिल कर दी हूँ तेल। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें कुछ चीज़ें डालूँगी, और जो मेरे अंडे थे वो उबल चुके हैं उसको मैंने छील ली हूँ। छिलका हटा के मैं उसमें कट लगा ली हूँ, ताकि अंदर तक अच्छी से मसाला इसके अंदर तक चला जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। ढाबे वाले एकदम इसी तरीके से इसे अंडे को फ्राई करते हैं, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है और हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी तैयार होती है। ये दोनों चीज़ें अंडे में कलर लाने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इसे भी ज़रूर आप डालिएगा, हल्दी और देगी मिर्च। इस तरीके से हमने मसाले को भून लिया है 1 मिनट के लिए, और उसमें सारे अंडे में शामिल कर दी हूँ, और इसे चलाते हुए सब तरफ से पलट पलट के अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आने तक का मैं इसमें भूनूंगी। बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा और अंदर तक मसाले भी हमारे इसमें चले जाएंगे, इससे हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। दूसरी तरफ मेरी ग्रेवी भी एकदम बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं मसालों में से तेल आ गया है बाहर, और इसको स्पैचुला की मदद से मैंने इसको अच्छी तरीके से मैश कर ली हूँ। तो बस हमारा मसाला भी तैयार है, उधर अंडे भी मेरे फ्राई हो चुके हैं। तो मैं अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी पिसी हुई ग्रेवी मेरी जो पालक की थी। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी इसको और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और इसे मिक्स करके मैं 5 से 7 मिनट तक का इसे मैं इसको अब कुछ नहीं करना है हमें, बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 5 से 7 मिनट तक का पकने देंगे। और यहाँ अंडे भी हमारे रेडी है, तो बस ग्रेवी पकने का वेट करेंगे, और फिर इसके अंदर हम
अपने अंडे शामिल कर देंगे। देख ये देखिए 7 मिनट का वक्त हो गया है और ये देखिए अंडे, ये ग्रेवी हमारी एकदम अच्छी तरीके से पक गई है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पक गई है? इसका कलर चेंज होके जैसे मेहंदी का कलर होता है ना, उस तरीके से हो जाएगा और ऊपर थोड़े थोड़े तेल भी आ जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये ग्रेवी एकदम रेडी है खाने के लिए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी अंडे। तो बस अंडे शामिल करके मैं इसे मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसे और 2 से 3 मिनट तक का कवर करके पका लूँगी। ये 2 से 3 मिनट तक का पका लूँगी मैं इसे। और फिर देखिए आप, ये मेरा अंडा करी बनके तैयार हो गया है। ओ गॉड, इतना अच्छा अंडा करी बनके तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर बना के इसे ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ये आप इसे पराठे के साथ में, नान के साथ में, चावल के साथ में, किसी भी चीज़ के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और मेरे फैमिली में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो लीजिए, पालक अंडा करी बनके तैयार है। इतना डिलीशियस, ओ गॉड, मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि पालक कढ़ी इतनी टेस्टी भी बन सकती है। तो आप भी ज़रूर इसे बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा।